Hello friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about conversion of flip-flop. अभी तक हमने flip-flop पढ़े, तो हमने कुल कितने flip-flop पढ़े? चार flip-flop हमने पढ़े, SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop और T flip-flop. अब हम देखेंगे इसमें एक दूसरे में यदि हमें कन्वर्जन करना है, यदि एक फ्लिप-फ्लॉप को दूसरे फ्लिप-फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली एक फ्लिप-फ्लॉप से दूसरे फ्लिप-फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं. बशर्ते आपको अब जबकि हम सारे फ्लिप-फ्लॉप पढ़ चुके हैं तो उनके ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल आपको पता होने चाहिए कि हमें कैसे बनाना है. ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे जेके फ्लिप-फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप-फ्लॉप. जैसे हमें जेके फ्लिप-फ्लॉप बनाना है, किसको यूज करके? एसआर फ्लिप-फ्लॉप को यूज करके हमें क्या बनाना है? जेके फ्लिप-फ्लॉप बनाना है. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, इस फ्लिप फ्लॉप को, जिस फ्लिप फ्लॉप को आपको बनाना है उसका आपको ट्रुथ टेबल क्या पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल लिखना है. और जो फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो इसको बनाने के लिए उसका हमें एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए. ओके, एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए. तो मेथड क्या है कि जो फ्लिप फ्लॉप हमें बनाना है उसका हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं उसका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे. ओके, जैसे हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, मीन्स हमें जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूज करके, तो हमें इसका एक्साइटेशन टेबल और इसका ट्रुथ टेबल हमें बनाना है. ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा. अब मैं आपको बताती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाना है. तो जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल हम देखेंगे, जे के क्यू एन क्यू एन प्लस वन. ओके, इस तरीके से ट्रुथ टेबल में होता है, ये इनपुट होते हैं, ये प्रीवियस स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट, मीन्स आउटपुट हम इसको बोल सकते हैं. तो आप देखिए, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन वन, इस तरीके से आपको इसके लिए कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं. ठीक है, ये हम जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या बना रहे हैं, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं. ओके, तो हमने इसको ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ये इनपुट्स है, ये आउटपुट है, हमें कैलकुलेट करना है कि वन प्लस वन का वैल्यू, नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू. तो हमें पता है जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के दोनों जीरो जीरो होते हैं तो क्यू एन प्लस वन जो है होल्ड कंडीशन में होता है, मीन्स ये क्यू एन के इक्वल होता है. तो क्यू एन का जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, हमें ऑलरेडी पता है, मैं आपको इस बारे में सब बता चुकी हूँ. जब जे और के का वैल्यू जीरो और वन होता है, जीरो और वन होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, रीसेट कंडीशन होती है, मीन्स क्यू एन का वैल्यू कुछ भी हो पर यहाँ पर रीसेट कंडीशन होती है. तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो जीरो होता है. वन जीरो जब आता है जे और के का वैल्यू तो यहाँ पर सेट कंडीशन होती है, तो क्यू एन का वैल्यू कुछ भी रहे पर आउटपुट जो होता है वो वन आता है. ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप में जब जे और के दोनों वन वन होते हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो क्यू एन बार और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आता है, मीन्स जो भी क्यू एन का वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा. तो ये इनवर्स कंडीशन कहलाती है. तो इस तरीके से हमें जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है उसका हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बना लेंगे, जो कि हमने बना लिया है. अब हम क्या करेंगे, जो फ्लिप फ्लॉप हमें यूज कर रहे थे इसको बनाने के लिए उसका हम क्या बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे. ओके, तो एक्साइटेशन टेबल भी मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ. देखिए यहाँ पर हम एस और आर, ओके, एक्साइटेशन टेबल बना लेंगे. तो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन को यूज करके, आप देखिए क्यू एन और क्यू एन प्लस वन को यूज करके हम ऐसा फ्लिप फ्लॉप का क्या करते थे, उसका एक्साइटेशन टेबल बनाते थे. तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे क्यू एन है, यहाँ क्यू एन प्लस वन है, यहाँ एस और आर है, तो हमने एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाई थी, आप देखिए जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन. ओके, ऐसा फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने किस तरीके से एक्साइटेशन टेबल बनाई थी, इस तरीके से बनाई थी, राइट. तो कैसे बनाया था, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों जीरो होता था तो क्या आता था, या तो होल्ड कंडीशन होती थी, या तो होल्ड कंडीशन होती थी, इस केस में या तो होल्ड कंडीशन होती थी या फिर होती थी, क्योंकि क्यू एन प्लस वन जीरो है तो होती थी रीसेट कंडीशन. दो कंडीशन हो सकती थी, तो होल्ड कंडीशन एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो, और रीसेट कंडीशन मीन्स एस इक्वल टू जीरो एंड आर इक्वल टू वन. इस केस में हम देख सकते हैं कि एस का वैल्यू तो दोनों में जीरो है बट आर का वैल्यू क्या है, एक जगह जीरो एक जगह वन है, तो हमें उसको
डोंट केयर लिखना होगा तो यहाँ पर तो जीरो आएगा और यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं, डी फॉर डोंट केयर, ओके, या क्रॉस। तो हमने ये एक चीज देख ली कि यहाँ पर तो जीरो डी आ रहा था, ओके। अब हम देखेंगे जब qn और qn प्लस वन जीरो और वन है, तो देखिए आप ये इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है जब qn प्लस वन कितना है, वन है, इसका मतलब है ये सेट कंडीशन होगी, राइट। और जब सेट कंडीशन होती है तो s का वैल्यू वन और r का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वन और यहाँ पर जीरो। इस तरीके से हम यहाँ नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं, जब qn प्लस वन जो है जीरो है, जीरो होता है, तो ये रीसेट कंडीशन होती है, क्योंकि इक्वल तो नहीं है तो होल्ड कंडीशन तो नहीं हो सकती, बट यहाँ रीसेट कंडीशन होगी। तो रीसेट कंडीशन कब होती है, जिसमें s का वैल्यू जीरो और r का वैल्यू वन होता है, मीन्स यहाँ जीरो और यहाँ वन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है जब s और r का वैल्यू दोनों qn एंड qn प्लस वन, qn एंड qn प्लस वन दोनों ही क्या है, वन है, तो एक तो होल्ड कंडीशन हो सकती है और दूसरी qn प्लस वन वन है, इसका मतलब सेट कंडीशन हो सकती है। तो होल्ड कंडीशन मीन्स s एंड r बोथ आर जीरो, एंड सेट कंडीशन मीन्स s इक्वल टू वन एंड r इक्वल टू जीरो, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो s का वैल्यू एक जगह जीरो एक जगह वन है, मतलब यहाँ d आएगा, और r का वैल्यू दोनों जगह जीरो है, इसीलिए यहाँ जीरो आ जाएगा। ये हमने एक्साइटेशन टेबल पढ़ी थी SR फ्लिप फ्लॉप के लिए, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब qn और qn प्लस वन दोनों जीरो जीरो है, तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो d मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट जीरो d लिख देंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर वन वन है qn और qn प्लस वन, तो हमें d जीरो मिल रहा है, तो यहाँ पर d और जीरो लिख देंगे। उसके बाद जीरो जीरो अगेन है, तो जीरो जीरो में हम पढ़ चुके हैं कि जीरो d मिला था हमें, देन वन जीरो है, तो जब वन जीरो है तो हमें जीरो वन मिल रहा है, तो हमने यहाँ जीरो वन, देन जीरो वन है तब वन जीरो मिल रहा है, तो वन जीरो, देन वन वन, वन वन के लिए डी जीरो, ओके, जीरो वन के लिए वन जीरो, और वन जीरो के लिए जीरो वन। इस तरीके से हमें जो है एक्साइटेशन टेबल बनानी रहनी है इसी के, ओके, लगाकर एस और आर के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये हमने एस और आर के लिए एक्साइटेशन टेबल बना ली, ओके। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमने सबसे अभी तक हमने क्या किया है, जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल बनाया है। आप चाहें तो डायरेक्टली, आपको यदि पता हो क्यूएन और क्यूएन प्लस वन दोनों ही जीरो है, तब क्या आता है, तो जीरो डी आता है, ये हमें प्रैक्टिस से आ जाएगा, ओके। मैंने अभी समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरीके से हमें बनाना है एक्साइटेशन टेबल, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तो हम हटा देंगे, qn प्लस वन को हम हटा देंगे, और हम देखेंगे s का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ j, k एंड qn, एंड r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ j, k एंड qn कैलकुलेट करना है। तो हम s और r के लिए सेपरेट सेपरेट k मैप बना लेंगे, ओके। तो हम s के लिए k मैप बना के देखते हैं तो कैसा आता है, देखते हैं यहाँ पर जब k मैप बनाएंगे तो क्या वैल्यू आती है, राइट। तो यहाँ पर तो है j और यहाँ पर है k qn, तो जीरो 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 वन, वन वन, वन जीरो जीरो वन, ओके। अब देखें आप s की वैल्यू के लिए क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, यहाँ जीरो जीरो वन में d है, तो जीरो जीरो वन में यहाँ पर d है, देन यहाँ वन जीरो जीरो में वन है, तो वन जीरो जीरो में वन लिख देंगे, देन वन जीरो वन में d है, तो वन जीरो वन में d लिख देंगे, देन वन वन जीरो में वन है, ओके, तो वन जीरो वन में यहाँ पर वन, बाकी जगह जीरो है, तो हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर डोंट केयर है, यहाँ पर डोंट केयर है, पर यहाँ पर वन और यहाँ पर वन, यदि हमें इनको एक ग्रुप बनाना है तो आप इस तरीके से एक ग्रुप बना सकते हैं, आपको डोंट केयर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए डोंट केयर को हम नहीं लेंगे, हमने एक ग्रुप बनाया, एक ही ग्रुप बन रहा है, और इस ग्रुप का नाम क्या होगा, एस इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर तो जे है और यहाँ पर ऊपर जो कॉमन है वो है क्यू एन बार, तो क्यू एन बार आर वी कैन से दैट जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, एस इक्वल टू क्या आ गया, जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एस की वैल्यू जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट आ गई है, राइट, जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गई है एस का वैल्यू। अब हम के मैप बना लेंगे आर आर के लिए, ओके, जिस तरीके से हमने एस के लिए बनाया है, इसी तरीके से हम आर के लिए जब बनाएंगे, देखिए आर के लिए हम के मैप बना लेंगे, तो आर के लिए के मैप में जे
और यहाँ पर के क्यू एन आ जाएगा 00, 01, 11, 10 and 01। अब आप देखिए आर के लिए 000 पर डी है, 000 पर डी है, देन यहाँ 010 पर डी है, 010 पर यहाँ पर डी है, देन यहाँ पर 011 पर 1 है, तो 011 पर 1 आ जाएगा, एंड देन 111 पर भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब आप इसमें भी आप फिर से देख सकते हैं कि डोंट केयर को लेने की जरूरत नहीं है, यदि आप ग्रुप बनाना चाहें तो इस तरीके से दोनों 1 को कंबाइन करके एक ग्रुप बना सकते हैं और उसका नाम आप क्या दे सकते हैं, जे तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा के इंटू क्यू एन, तो आर का वैल्यू आ गया के इंटू क्यू एन। ओके, आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आ गया के इंटू क्यू एन, ये वैल्यू आ गई हमारी एस और आर की, जो कि मैंने आपको जब जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया है तब भी बताया था कि हम इस तरीके से लेते, पर मैंने ये नहीं बताया था कि ये कहाँ से ये कैलकुलेट हमने किया, तो आज मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया कि हमें किस तरीके से एस और आर का वैल्यू इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब बस मैं बता देती हूँ कि एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज करके आपको कैसे जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है। आपका ये एस है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्यू एन है और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। ओके, और हमें चाहिए है एस का वैल्यू जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए मैंने यहाँ पर जे लगा दिया है और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट को करने के लिए हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पर मैंने एक और एंड गेट लगाया और यहाँ पर के लेंगे और यहाँ पर के इंटू क्यू एन चाहिए है वैल्यू आर का, तो हमें यहाँ से आर का वैल्यू के इंटू क्यू एन मिल जाएगा और सेपरेट सेपरेट दे सकते हैं, यहाँ पर हम क्लॉक दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हमने क्या बना लिया है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर। ओके, एस आर फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पर क्यू एन रहेगा, यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप एस आर फ्लिप फ्लॉप का यूज करके आप जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, बल्कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके दूसरा फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। इस मेथड से आपको क्या करना है, जो फ्लिप फ्लॉप आपको बनाना है उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, जो फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो उसका हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना है, देन इस इन दोनों का वैल्यू या इनके जो भी इनपुट है, जैसे यदि एक इनपुट है तो उसको हमें के मैप बना के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ जेके, एंड फिर यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये हमें अपने मन से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जे इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर जे आ गया और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट देना है और आर को कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से एस को या आर को हमें कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो आज हमने पढ़ा जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग ऐसा। So that's all for today. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe.